पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर को ताला लगाकर सील कर दिया। ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये आता है कि भाई इनका ही विभाग है, विभाग तो इनका है, मगर कठपुतलियों की तरह तो नचा तो इनको एलजी साहब रहे हैं। चुनी हुई सरकार कोई ना कह देगी कि अपने ही मुख्यमंत्री को, खुद ही मुख्यमंत्री नहीं है, कोई ना कह देंगी अपने ही विभाग को कि मेरे विभाग के जो अफसर हैं वो मेरा ही घर सील कर दें। और वो वही अफसर हैं जिन्होंने 3 दिन पहले आतिशी जी को उनके घर की चाबी देके कहा कि अब आप अपने घर में आइए। वहां पे आतिशी जी का सामान शिफ्ट हो गया। अब सवाल ये आता है कि इतने निम्न स्तर की राजनीति क्यों की जा रही है। तो ये जो इतनी निम्न स्तर की राजनीति हमारे उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी कर रहे हैं वो बहुत घटिया है। इट इज इन अ वेरी बैड टेस्ट। और दिक्कत की बात यह है कि इनको शर्म लिहाज जो है भारतीय जनता पार्टी वालों को आनी बंद हो गई है। इनको लगने लगा है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी टीवी पर चलवा दो, कुछ भी अखबार में चलवा दो। लोग बहुत चिढ़ रहे हैं अब इस सब चीजों से। भाई तुम काम करो, अपना कुछ काम करो, कुछ काम दिखाओ। वो एलजी जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते उस मुख्यमंत्री का सामान फिंकवा रहे हैं जो 62 विधायकों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी है, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विशाल समर्थन और सहयोग से दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, ये उसका अपमान है। जो दिल्ली के लोगों ने एक चुनी हुई सरकार बनाई है ये उसका अपमान है। ये क्या तमाशा हो रहा है दिल्ली में। सीएम आवास इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने खाली किया। भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के झूठ फैला रहे हैं, इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कह रहा हूं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।